आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में एक छोटा बच्चा है, एक मंदिर है और एक पुजारी से बातचीत का मैं विवरण दे रहा हूँ, क्योंकि पूजा जो होती है भाव से होती है, न कि शब्दों से। पूजा जो होती है भाव से होती है, न कि शब्दों से। कि कहानी में एक बच्चे ने महान मंत्र बोला, जिससे पुजारी की आंखें खुल गई। मंत्र है क ख ग घ, क्या है क ख ग घ। चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। कहानी अगर अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करेंगे, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले कि ये छोटा बच्चा ने आखिर ये कौन सा मंत्र का प्रयोग किया। चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटा बच्चा था, बहुत ही नेक और बुद्धिमान। एक दिन वो एक मंदिर में गया तो उसने देखा मंदिर के अंदर सभी भक्त भगवान के मंत्र बोल रहे थे। भगवान के मंत्र का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो जिस देवता को पूजा करता है उसका वो मंत्र बोलता है। तो सभी भक्त लोग जो है, जो वहाँ पे मौजूद थे, वो भगवान का मंत्र बोल रहे थे। कुछ भक्त जो थे वो भक्त स्तुति गान भी कर रहे थे। कुछ ऐसे भी भक्त थे जो संस्कृत में काफी कठिन कठिन श्लोक भी बोल रहे थे। तो बच्चे ने कुछ देर यह सब देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अजीब सी बात है, किसी के साथ भी होगा, अगर उसको कुछ नहीं आता है तो उदासी छा ही जाएगा, भाई मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूं। क्योंकि उसे जो वो लोग बोल रहे थे, जो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो वो लोग मंत्र बोल रहे थे, उसे वो बोलने नहीं आ रहा था। तो क्या किया उस बच्चा ने, कि आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। और बार बार बोलने लगा क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ। बार बार ये क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ बोलने लगा। और इसी के दौरान मंदिर के जो पुजारी हैं वो देखे तो वो पूछे, बेटा ये तुम क्या कर। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं पिछली कहानी में मैंने कहा था कि बच्चे ने जब अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया, बच्चे का मंत्र था क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ, तो ये अजीब सा मंत्र सुनकर मंदिर के पुजारी ने बच्चे से आकर पूछा कि बेटा तुम यह क्या कर रहे हो, तो बच्चे ने कहा भगवान की पूजा कर रहा हूँ। बच्चे ने कहा कि मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ। पुजारी ने कहा कि बेटे भगवान की पूजा और प्रार्थना ऐसे नहीं की जाती है, तुम तो क ख ग घ बोल रहे हो, ऐसे कहीं भगवान की पूजा की जाती है।
पंडित पुजारी का भी क्या गलती था भाई, क्योंकि उनकी भी पूजा रटी रटाई थी, जो बचपन से उन्होंने पढ़ा था वही उनको भी याद था और रटी रटाई पूजा वो करते थे, भाव का मिश्रण तो था नहीं। फिर बच्चा से पूछा कि बच्चा तुम भगवान से प्रार्थना में क्या कहा, तो बच्चा तो मासूम है, बच्चा तो मासूम है, उसके पास शब्द थे नहीं, इसलिए वो भाव में लीन होकर पूजा कर रहा था और मंत्र अपना बोल रहा था, वो महान मंत्र था क ख ग घ। बच्चे ने कहा कि हे पुजारी जी, मैंने क ख ग घ जो मुझे आता है मैंने यही 10 बार बोल दिया हूँ, मैंने यही 10 बार बोल दिया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने पढ़ाते वक्त मुझसे कहा था कि हे पुत्र तुम पढ़ रहे हो क ख ग घ, इसी शब्दों से जितना भजन बनता है, मंत्र बनता है, प्रार्थना बनता है, इन्हीं शब्दों के मिश्रण करने से बनता है, इसलिए पंडित जी मैं 10 बार क ख ग घ बोल गया हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान अभी छोटे से स्कूल में पढ़ता हूँ, हे भगवान अभी मैं छोटे से स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे अभी इतना ही सिखाया गया है, यह शब्द यह इस शब्दों में से अपने लिए हे ईश्वर खुद तुम मंत्र प्रार्थना भजन बना लेना। वाह, इन शब्दों से ही ईश्वर को उन्होंने प्रार्थना किया उस बच्चे ने कि इसी से भजन मंत्र प्रार्थना अपने लिए जो तुम्हें पसंद हो वो तुम बना लेना। बच्चे की बात सुनकर पुजारी जी चुप हो गए, उनके आंखों से अश्रू आने लगा, उनको अपनी भूल का एहसास हो गया। मित्रों, प्रार्थना हृदय को साफ और निर्मल करती है, शब्दों का महत्व नहीं होता है, भाव का महत्व होता है, भाव का महत्व।